मंच पर अपने भाषण की जोरदार शुरुआत कैसे करें, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में गिरी बर्फ। जी हां, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में गिरी बर्फ। सभी न्यूज चैनल वाले इस टैक्टिक को जरूर यूज करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी जिज्ञासा बढ़ाते हैं। जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में गिरी बर्फ। आपकी जिज्ञासा कई बार इतनी बढ़ जाती है कि बोरिंग से बोरिंग एड भी आप देखते हैं, क्योंकि आप ब्रेक के खत्म होने का इंतजार करते हैं। ब्रेक के बाद अब वो जो भी कहें, यही है हमारी पहली टिप। अपने भाषण की शुरुआत में किसी तरह अपने लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा दें, जिज्ञासा बढ़ा दें, आपका भाषण वो जरूर सुनेंगे। जैसे, दोस्तों, क्या हमारा भारतवर्ष दोबारा से सर्वशक्तिशाली बन सकता है? अगर भाषण के शुरू में ही मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, दोबारा से सर्वशक्तिशाली बन सकता है? इसका मतलब हमारा भारतवर्ष पहले शक्तिशाली था, पर आपको नहीं पता कब था। तो आप मेरा भाषण सुनेंगे, उत्तर का इंतजार करेंगे। मैंने आपकी जिज्ञासा बढ़ाई, क्यूरियोसिटी बढ़ाई। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल से या समुद्रगुप्त के कार्यकाल से, तब भारतवर्ष सर्वशक्तिशाली सही में था। अपने भाषण की शुरुआत में किसी तरह अपने लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, जिज्ञासा बढ़ा सके, मेरा वादा है आपका भाषण वो जरूर सुनेंगे। अब हमारी दूसरी टिप। हमारा पेप टॉक इंडिया पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग के लिए आजकल भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके कुछ कारण हैं। कुछ कारणों में से पहला, हमारे पास अपना ऑडिटोरियम है, अपना खुद का ऑडिटोरियम। दूसरा, जिस तरह का पैशन हमारे पास है, उस तरह का पैशन किसी और के पास नहीं। तीसरा, जिस तरह के आइडिया से हम सिखाते हैं, इनोवेटिव आइडिया से, ऐसे आइडिया शायद किसी के पास नहीं। चलिए, ये तो हुई पेप टॉक इंडिया की बात। अब मैं बताता हूं एक नेता की बात। एक किसी पार्टी के हमारे पास नेता आए थे, उनको हमने पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग दी। अच्छे वो पब्लिक स्पीकर बने, बहुत गजब के भाषण देने लगे। पहला उनका भाषण उन्होंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया, अपनी विधानसभा में, अपने चुनावी क्षेत्र में, उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजी। पहला उनका स्टेटमेंट बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा, आपके बच्चे से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा मुझसे गलती हो गई, उन्होंने ये कहा आपके बेटे से, आपके बच्चे से गलती हो गई। उनका पहला स्टेटमेंट ही वो कनेक्टिविटी ले आया। लोग सोचने लग गए, अरे ये तो हमारा अपना है, हमारा अपना बेटा है, हमारा बच्चा है, क्या टैक्टिक है, अमेजिंग। तो यही है हमारा सेकंड टिप, कनेक्टिविटी, संयोजकता। किसी तरह बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही आप कनेक्टिविटी ला पाए, लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपसे कनेक्टेड रहेंगे। सेम नेता ने थोड़े महीनों बाद दूसरा वीडियो भेजा। इस बार उन्होंने क्या कहा, मेरी कहानी भारत के किसी और शहर में संभव नहीं हो सकती थी, यह शहर बहुत खास है। क्या बात है, फिर वो कनेक्टिविटी लेके आए। मेरी कहानी भारतवर्ष के किसी और शहर में संभव नहीं हो सकती थी। लोग सोचेंगे, वाह, इसका मतलब ये शहर कुछ खास है, इस शहर के हम निवासी हैं तो हम भी कुछ खास हैं। तो ये दो टैक्टिक्स जरूर याद रखिए, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी, संयोजकता एंड जिज्ञासा। इसको भाषण के शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत फायदा। मेरा नाम है रॉकी सागू, अब दोबारा मिलेंगे, अलविदा। यू नो जॉर्डन, न्यूज चैनल वाले बड़ी कहानियां मारते हैं। पहले तो ब्रेक से पहले तो ये बताते हैं, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में गिरी बर्फ। ब्रेक के बाद पता है क्या कहानी बताते हैं, ये साइकिल सवार साइकिल पे बर्फ की सिल्ली लेके जा रहा था, यही है हमारा राज, दिल्ली में गिरी बर्फ।
थर्ड क्लास न्यूज चैनल।